हेलो एवरीवन, इट्स मी अंजलि फ्रॉम अंजलि's फूड एंड ट्रैवल वर्ल्ड। सो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। तो अभी आप नोटिस करिए कि मैं कहाँ पे आई हूँ। तो अगर आप सोच रहे हैं तो चलिए बढ़ते हैं आगे वीडियो में, और वीडियो अगर आप पूरा देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मैं कहाँ आई हूँ। तो ये है न्यू टाउन का रास्ता। मैं निकल गई हूँ अपने घर से, न्यू राजा हाट मैंने क्रॉस कर लिया है। अब मैं बढ़ी हूँ धीरे धीरे न्यू टाउन की तरफ। ये जो जगह आज मैं जाने वाली हूँ ना, ये आप मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने कलकत्ता में कितने लोगों ने ये स्टोर को विज़िट किया है। यहाँ पे आपको हर चीज़ मिलता है जो कि रिलेटेड है हाइकिंग से। माउंट पे अगर आप चढ़ते हो, जैसे कि ट्रैकिंग करते हो या जिम करते हो, तो यहाँ पे इस तरीके की चीज़ें मिलती हैं। तो ये एक ऐसा स्टोर है जहाँ पे आपको फिटनेस रिलेटेड, ट्रैकिंग रिलेटेड, माउंटेनियरिंग रिलेटेड सारी चीज़ें आपको यहाँ पे अवेलेबल मिलेंगी। और ये जो जगह है, मैंने काफ़ी रिसर्च करके मुझे पता चला कि अगर आपको स्नोफॉल की वाली जगह पे जाना है तो अगर आप यहाँ जाएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो ये है डेकैथलॉन। ये देखिए, ऑडी शोरूम जो था उसके ठीक ऊपर में है ये डेकैथलॉन स्टोर। तो अब मैं बढ़ती हूँ आगे, और ये देखिए यार क्या गाड़ी है। आप देखिए, ऑडी का एक से एक मॉडल्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। सो अभी तो हम आगे बढ़ रहे हैं और मैं एंटर करूँगी डेकैथलॉन के स्टोर पे, और मैं आपको दिखाऊँगी यहाँ की स्पेशलिटी। और अगर आप ये स्टोर विज़िट नहीं किए हो तो कलकत्ता में इसका काफ़ी सारा ब्रांचेस है, आप ज़रूर जाइए, विज़िट करिए। और मैं न्यू टाउन वाले ब्रांच पे आई थी। ये देखिए, बहुत ही बड़ा स्टोर है ये। यहाँ पे आपको, मतलब ये देखिए, विंटर वेयर मुझे यहाँ से लेना था। काफ़ी अच्छे मिलते हैं, मतलब स्नो के लिए। और मैं अपना एक बहुत ही अच्छा एक सीरीज़ लाने वाली हूँ, जो कि कौन सा लोकेशन में वो अभी आपको आपको नहीं बताऊँगी, मैं डिस्क्लोज़ नहीं करने वाली हूँ। जब मैं वहाँ जाऊँगी आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। बट वो एक ऐसा जगह है जहाँ काफ़ी ज़्यादा स्नोफॉल होता है। तो अभी चलिए बढ़ते हैं आगे। अभी मैं देख रही हूँ यहाँ पे जो जैकेट्स है, काफ़ी ज़्यादा हैवी पैडेड जैकेट्स हैं। इसके साथ आपको 2-3 लेयर्स लगाने से चल जाएगा अगर आप थर्मल्स पहन लोगे तो। बट ये मेन सेक्शन है, अभी मुझे जाना है वुमेन सेक्शन। अभी मैं ढूंढ रही हूँ। ये देखिए, यहाँ पे बैग्स मिलता है, जो वाटरप्रूफ बैग्स होते हैं ना, और जो ट्रैकिंग के लिए बैग्स होते हैं वो भी अवेलेबल है। तो जो वाटरप्रूफ बैग्स आपको मिलेंगे, जस्ट अगर आप बॉटल वगैरह हल्का फुल्का सामान रखने के लिए, वो आपको 199 में मिल जाएगा, और वो फोल्डेबल है और वाटरप्रूफ है। और ये देखिए शूज़, ये है हाइकिंग शूज़, यहाँ अवेलेबल है 3000 से अलग अलग रेंज में है। फिर स्नो शूज़ है, तो डिपेंड करता है। यहाँ पे वुमेन के लिए इनर गारमेंट्स है इस तरफ में। तो अभी मैं जा रही हूँ वो सेगमेंट जहाँ पे मुझे अपने शॉपिंग के लिए जो चीज़ खरीदनी है वो मिल जाए। तो अभी मैं ढूंढ ही रही हूँ कि कहाँ जाऊँ। तो वैसे जगह पे जाने के लिए हम जो अटायर पहनते हैं, जो हम कपड़े पहनते हैं, जैकेट्स पहनते हैं, वो भी थोड़े वाटरप्रूफ होने चाहिए। बिकॉज़ जब आप माइनस के टेम्परेचर में जाते हो ना, तो नॉर्मल जैकेट्स वहाँ कुछ काम ही नहीं आता, और आपको अंदर में 2-3 लेयर्स 4 लेयर्स भी पहनने पड़ सकते हैं बिकॉज़ ऑफ द एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस। तो ये जो लोकेशन हम लोग जाएंगे उसके लिए मुझे थोड़ा कुछ शॉपिंग करना है, बिकॉज मैं आज तक इतने स्नो में तो कभी भी नहीं गई हूँ। गई हूँ स्नो में, लेकिन ऐसा कंडीशन में नहीं गई जब माइनस था टेम्परेचर या फिर स्नोफॉल हो रहा है। और इसके लिए मुझे एक अलग ही मतलब अटायर की ज़रूरत है, जैकेट्स, वार्मर्स, थर्मल्स की ज़रूरत है, थर्मल पैंट्स की ज़रूरत है, ट्राउजर्स की ज़रूरत है। तो इसके लिए ही यहाँ पे जो ग्लव्स मिलता है वो भी वाटरप्रूफ है, इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, और अभी यहाँ पे काफ़ी अच्छा डिस्काउंट भी चल रहा है। जो चीज़ आपको 4000 में मिलती है तो वहाँ पे आपको 1000 चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी, और डिस्काउंट्स भी, ऑप्शंस भी अवेलेबल है अलग अलग चीज़ों में। तो ये जिस सेगमेंट में आई हूँ यहाँ थोड़ा समर रिलेटेड चीज़ें मिलती है। इस जहाँ पर मैंने अभी एंटर किया वहाँ पर स्पोर्ट्स रिलेटेड चीज़ें मिलती हैं, तो मुझे तो वो सब लेना नहीं था। तो मैं अब बढ़ रही हूँ वो सेगमेंट में जहाँ पे सिर्फ विंटर वेयर या स्नो वेयर्स मिलते हैं। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रही हूँ और मैं ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मैं इस स्टोर में फ़र्स्ट टाइम आई थी। ये स्टोर इतना बड़ा है ना कि आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे कि किस तरफ में क्या मिलता है। तो क्योंकि मैं अभी फ़र्स्ट टाइम आई थी तो मैं भी थोड़ा पजल्ड थी। मैं ढूंढने की कोशिश कर रही थी कि मुझे लेना क्या है, क्योंकि यहाँ इतना वैरायटी है। और जैकेट में ये देखिए, जैकेट में आप वैरायटी देखिए। ये आपको यहाँ के जो स्टोर के लोग हैं उनसे आपको पूछना पड़ेगा कि मुझे अगर स्नोफॉल के लिए चाहिए तो क्या कौन सा जैकेट है, बिकॉज यहाँ हाइकिंग के लिए अलग है, स्नोवेयर अलग है। मुझे यहाँ के जो सेल्स थे पर्सन थे उन्होंने मुझे कुछ अच्छा थर्मल्स बताए, तो मैंने थर्मल पैंट्स और थर्मल इनोवेयर्स लिए और एक जैकेट ले लिया। तो ये लेने के बाद अब मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रही हूँ, क्योंकि मैं सोच रही थी कि कुछ और अच्छा कलर भी मिल जाए। तो मैंने एक रेड जैकेट ले लिया और अब मैं ढूंढ रही हूँ बिलिंग काउंटर। आई थिंक बिलिंग काउंटर ग्राउंड नीचे वाले फ्लोर पे है और मैं फर्स्ट फ्लोर पे थी। तो मुझे अभी ये देखने के बाद इतना सारा, जितना आप देखोगे ना उतना कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए जो ले लिया है वो नीचे जाके जस्ट मैंने सोचा और मुझे कंफ्यूज नहीं हो रहा है, मुझे बिल पे करके निकलना है क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था। तो मैं जस्ट बिलिंग काउंटर में आई और मैंने यहाँ पर जस्ट पे कर दिया और मैं यहाँ से अपना सामान लेके अभी निकल गई। ये देखिए मैंने हाथ में रखा, मैंने प्लास्टिक नहीं लिया क्योंकि मैं अपने गाड़ी से आई थी, तो मैंने अपने हाथ में वो सारी चीज़ें पकड़ ली, क्योंकि तीन ही चीज़ मैंने लिया था वहाँ से, थर्मल पैंट्स, इनर थर्मल और एक जैकेट। तो ये बिलिंग का हाथ में लेके मैं अपने बढ़ रही हूँ। तो गाइस अगर आपको शॉपिंग करना है ना स्नो से रिलेटेड, तो आप ज़रूर यहाँ पे विज़िट करिए, या फिर ट्रिमिंग के लिए अगर आपको लेना है, क्योंकि ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, ये अगर आप खरीदते हो तो काफ़ी दिन चलता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और बहुत जल्दी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पर किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन थैंक यू एंड बाय बाय।